अच्छा जी, अब हमारे पास दोस्त हैं मोहम्मद नाजिम अली। मोहम्मद नाजिम अली, पहले तो ये माइक पकड़ के ना अपना इंट्रोडक्शन आपने करवाना है, डिटेल में बताएं अपने बारे में जरा कि क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की हुई है आपने, बैकग्राउंड क्या है आपका, उसके बाद ये शुरू करें। हमारा क्लैपिंग हो जाए पहले तो। मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद नासिम अली है। मैं अभी यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ वहाँ से। बाकी मैंने मैट्रिक के बाद एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स किया था ये एचटीएमएल सीएसएस का, और अब यहाँ पे सैलानी में आके मैं प्रॉपर वेब एप्स एंड मोबाइल एप्स वगैरह ये चीज़ें सीखने आया हूँ। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इसी में था, तो मैंने फिर भी यही चूज़ किया, फिर यहाँ पे कोर्स करने भी यहीं था। आज का हमारे टॉपिक था कि कौन सा एज अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम चेंजेस क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा तरीका कि हम इसमें चेंजेस ना कर पाए। तो सर जरा, अच्छा सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा लिखा है। तो एरेज हम लोग मल्टीपल कह लोगे, अगर मल्टीपल हमें इंटीजर्स या मल्टीपल इंस्ट्रिंग्स यूज करना है तो हम उसको एक ही एरे के अंदर करके स्टोर कर लेते हैं। तो बार से भी बन सकता है, लेट से भी बन सकता है, कौन से भी बन सकता है। अच्छा, कौन से चेंज कैसे होगा by is it possible to modify the contents of the of a const array? So modify हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को पता कि ये मेमोरी में स्टोर किस तरीके से होता है, तो इसका तरीका ये होता है कि जो const array होता है ना वो रेफरेंस स्टोर करता है। रेफरेंस को एक कोई भी अगर हम नाम देते हैं तो उस नाम के पास रेफरेंस जाता है उस चीज़ का, ठीक है। तो हम रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं मैथड्स लगा के, जैसे पॉप हो गया, पुश हो गया, स्विच है, अनस्विच है, उसमें हम लोग पुश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल में हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमने डॉट पुश का मेथड यूज किया, तो आउटपुट में हमारे पास पुश हो गया वो। वहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमने एरे बनाया, उसमें से हमने उसका इंडेक्स की वैल्यू चेंज किया, पूरे जो इंडेक्स जैसे इंडेक्स माने तो हमने उसकी वैल्यू चेंज की, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, सही है। हम ऐसा क्या करें कि ये चेंज ही ना हो, तो उसके लिए एक मेथड आते हैं, जैसे ये अच्छा हाँ यहाँ पे ये है कि कौन सा एरे, हमने एक और बनाया, ये मेथड होता है फ्रीज। फ्रीज के अलावा हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीन चार कुछ एक्स्ट्रा मेथड हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये लगा देंगे ना, और देन हम इसको कोई सा भी मेथड हो, पुश हो, पुक हो, या स्विच एंड स्विच को, उससे हम चेंजेस नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें मैं एक एग्जाम्पल मैंने एक और बता दूँ कि जैसे हमने ये माई एरे बनाया कॉन्स्टेंट, उसमें हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट एरे बनाया, जैसे सर पिछले वाली स्लाइड में जैसे ये हमने माई एरे बनाया, इसको एरे दे दिया ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, सही है। हम इसमें अगर पुश करेंगे या स्विच करेंगे तो इस कंटेंट चेंज हो जाएंगे। हम अगर बगैर मेथड के कॉन्स्ट का, अच्छा हमने पढ़ा कि अगर हम वेरिएबल बनाए कॉन्स्ट से तो वो चेंज नहीं हो सकता, पर ये क्यों हो रहा है, इसका एक सर सिनेरियो ऐसा है, अगर मैं यही माई एरे दोबारा वेरिएबल बनाऊँ, मतलब दोबारा कॉन्स्ट के साथ या लेट के साथ या बार के साथ माई एरे लूँ और उसको दोबारा से ब्रैकेट बना के 1, 2, 3 या कोई और चेंजेस मांगूंगा ना, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं, तो ये इस तरह से इसलिए कॉन्स्ट हम यूज करते हैं। अगर हम इसको बार से या लेट से बनाएंगे ना, माई एरे हमने अभी बनाया, इसको ये वैल्यूज दे दी, दोबारा हम ये माई एरे बनाएंगे तो उसमें हम चेंजेस कर पाएंगे, पर क्योंकि अगर हमने कॉन्स्ट से बनाया तो इसको दोबारा से माई एरे पूरे रेफरेंस अगर हम दोबारा देंगे ना तो वो हमें नहीं बना देगा, पूरे रेफरेंस दोबारा नहीं बनाने देगा, ये कॉन्स्ट से फायदा होता है।